निष्ठा बाथरूम से बाहर जाती उससे पहले ही माहिर उसे दीवार से सटाकर उसके करीब आ गया। ये देख निष्ठा माहिर को घूरने लगी। माहिर उसके और करीब आते हुए कहता है, अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने कहा था कि तुम सुबह उठने के बाद और नहीं सो सकती हो। निष्ठा माहिर के इतने करीब होने से पहले ही उसकी धड़कन बड़ी हुई थी और माहिर को इस बात की पड़ी थी कि वो अभी और सो गई थी। निष्ठा हकलाते हुए कहती है, हाँ वो तो हम सिर्फ बेड पर लेटे थे, हम सो नहीं रहे थे। माहिर उसके होठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहता है, अच्छा मुझे लगा तुम सो रही थी। माहिर के ये कहते ही निष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है और माहिर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर वो उसके गालों पर धीरे से अपने ठंडे होंठ रख देता है। तभी निष्ठा भी माहिर को कसकर पकड़ लेती है। माहिर अपने होंठ धीरे से उसके गालों से होते हुए निष्ठा के होठों पर रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद अपने होठों को अलग करते हुए उसे वो गले लगा लेता है। कुछ पल गले लगाने के बाद माहिर प्यार से कहता है, जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। निष्ठा अभी अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। वो देख माहिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद निष्ठा और नित्या एक साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो वहां पहले से ही माहिर और मिहिर बैठे हुए थे। पूरा डाइनिंग टेबल हेल्दी नाश्ते से भरा हुआ था। वो दोनों बिना कुछ कहे चुपचाप बैठकर अपना नाश्ता करने लगी। निष्ठा सामने बैठे शैतानों को देखते हुए कहती है, क्या हम दादी से मिलने नहीं जा रहे हैं? माहिर बोला, आज नहीं, अभी दादाजी के फ्रेंड आए हुए, उनके जाने के बाद हम अग्निहोत्री मेंशन जाएंगे। निष्ठा धीरे से कहती है, तो क्या हम वीरा से मिलने जा सकते हैं? माहिर सीधा कहता है, नहीं। उसकी बात से दोनों बहनों के चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो राक्षस हमेशा ऐसा ही करता था। निष्ठा बोली, पर क्यों, हम जल्दी वापस घर आ जाएंगे। माहिर कहता है, मैंने कहा ना नहीं। माहिर नहीं चाहता था कि निष्ठा और नित्या कहीं भी जाएं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो इतना सब कुछ हो चुका था। अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे लगता था कि वो दोनों बहन खुद प्रॉब्लम को इनवाइट करती थी। निष्ठा बोली, पर वो कुछ कह पाती कि माहिर अपनी सख्ती से कहता है, मैंने कहा ना नहीं, तुम दोनों बिना परमिशन के घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। निष्ठा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मिहिर और नित्या के सामने चुप थी। नित्या का मूड पहले ही खराब था। वो बिना किसी को देखे चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी और मिहिर उसे ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद माहिर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। निष्ठा उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, वो अपने मोबाइल में बिजी थी। माहिर उसके पास जाकर बैठ गया पर निष्ठा उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती थी। अगले ही पल माहिर उसके हाथों से मोबाइल छीन लेता है। माहिर निष्ठा से कहता है, जब मैं तुम्हारे पास हूं तो तुम ये फालतू के काम नहीं करोगे। निष्ठा गुस्से में उसे देखने लगी। सच में उसकी जिंदगी में जरा भी चैन नहीं था। उसे खुलकर सांस लेने की भी आजादी नहीं थी। निष्ठा बिना कुछ कहे माहिर को इग्नोर करने लगी तो माहिर फ्रस्ट्रेट हो गया। माहिर निष्ठा का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहता है, निष्ठा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी ओर देखो। निष्ठा बिना कुछ कहे माहिर का हाथ हटाती है और खड़ी हो गई। ये देखकर माहिर का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से में निष्ठा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा तो निष्ठा सीधे माहिर के ऊपर जा गिरी। फिर माहिर थोड़े गुस्से से कहता है, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। निष्ठा गुस्से से कहती है, छोड़िए हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। माहिर भी उसी अंदाज में कहता है, मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। निष्ठा लगभग रोते हुए कहती है, आपने आखिर हमें समझ क्या रखा है? हमारी अपनी भी कुछ लाइफ है, हमें समझ नहीं आता कि आप हमेशा अपनी मर्जी क्यों चलाते हैं। निष्ठा फिर भूल गई थी कि वो किससे बात कर रही थी। अब उसकी लाइफ उसकी थी ही नहीं, अब सारा हक सिर्फ माहिर का था। माहिर गुस्से से कहता है, अब तुम्हारी जिंदगी मुझसे जुड़ चुकी है, तुम्हारा अब तुम पर भी हक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले सिर्फ मैं ले सकता हूँ, तुम और तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है। निष्ठा ने जो आंसू अब तक रोक कर रखे थे वो बहने लगे थे। सच में उसकी खुद की जिंदगी कहाँ थी? पता नहीं, अब वो सिर्फ माहिर के गुलाम बन गई थी। वो जो बोलता था वो वही करती आ रही थी। निष्ठा आगे कुछ नहीं बोली, उसके पास कुछ शब्द ही नहीं थे। माहिर के शब्द हमेशा उसके दिल में दर्द पैदा करते थे। माहिर ने उसके हाथ को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर जो दर्द उसके दिल में था वो उसे जाहिर नहीं कर सकती थी। निष्ठा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तब माहिर को एहसास हुआ कि उसने निष्ठा का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। वो उसका हाथ छोड़ देता है। निष्ठा का हाथ पूरी तरह से लाल हो चुका था। हाथ छोड़ते ही निष्ठा जल्दी से माहिर के ऊपर से उठ गई। माहिर उसका हाथ अपने हाथों में फिर से लेने वाला था कि निष्ठा सीधे बाथरूम में चली गई। माहिर उसे जाता देख गुस्से से स्टडी रूम में चला गया। वहीं नित्या जब से मुंबई आई थी उसने कई बार अनिकेत को कॉल किया था पर उसका मोबाइल बंद आ रहा था। नित्या अब भी बार बार उसे कॉल कर रही थी। इधर मिहिर की नजर सोफे पर बैठी नित्या पर गई जो बार बार किसी को कॉल कर रही थी। उसे ऐसा करते देख मिहिर अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा। मिहिर पूछता है, किसे कॉल कर रही हो? नित्या कोई जवाब नहीं देती। मिहिर उसे घूरते हुए उसके करीब गया और वो कुछ कह पाता उससे पहले ही नित्या कहती है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, तो बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। ये सुनते ही मिहिर गुस्से में अपनी एक मुट्ठी बंद करते हुए दूसरे हाथ से नित्या का मोबाइल लेकर जमीन पर पटक देता है। ये देखकर नित्या गुस्से में खड़ी हो गई। मिहिर गुस्से से कहता है, हुआ क्या है तुम्हें जो ऐसे बिहेव कर रही हो? नित्या बोली, हमें कुछ नहीं हुआ, आप ही पता नहीं क्यों हमेशा अजीब सा बिहेव करते रहते हैं, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे रहना सही है क्या? मिहिर नित्या के और करीब आते हुए बोला, तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो जो मुझे पसंद आए? नित्या गुस्से से कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है आखिर? आप दोनों भाइयों को हमेशा अपने मन की करनी होती है, हम हमेशा घर में ही कैद रहते हैं, हमें सांस लेने के लिए भी आपकी परमिशन चाहिए होती है, हमें अब लगता है कि हम सिर्फ एक खिलौना है जिसे आप लोगों ने घर में बंद करके रख दिया है। पता है आपको, उस कुणाल और आप दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, उसने भी हमें पिंजरे में और बस। इतना सुनते ही मिहिर गुस्से से चिल्लाया, आरोही। पर नित्या बोलते ही जा रही थी तभी मिहिर गुस्से में आकर नित्या को एक थप्पड़ जड़ देता है। नित्या बस अपनी आंसुओं से भरी आंखों से मिहिर को देख रही थी। मिहिर को जैसे होश आया तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि अभी अभी उसने क्या कर दिया था। उसने आज तक कभी आरोही पर हाथ नहीं उठाया था और आज गुस्से में उसने। मिहिर अभी गुस्से में था कि आरोही आखिर उस कमीने कुणाल से उसका और माहिर का कंपेयर कैसे कर सकती थी, वो भी यही करता था। ये बोलते हुए नित्या का गला भर आया था। वो अपने आंसू पोंछते हुए रूम से बाहर चली गई। नित्या ने जो भी कहा उसका मतलब कुणाल से था, जो मिहिर अच्छे से समझ रहा था। दिल्ली में अभय रमा जी के साथ बैठकर चाय का मजा लेते हुए बात कर रहा था पर उसकी नजर किसी को ढूंढ रही थी लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही थी। मिहिर ने उसे उन सभी का ध्यान रखने को कहा था जिससे उन सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभय रोज थोड़ी देर के लिए यहां आ जाता था। तनुजा जल्दी सीढ़ियों से नीचे आते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी, हाँ तो डांट पड़ेगी पक्का। तनुजा की नजर अभय पर गई तो उसके दिल में हलचल सी हुई। वो खुद को काबू में करते हुए कहती है, माँ हम कॉलेज जा रहे हैं,
रमा जी तनुजा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अरे बेटा पहले नाश्ता तो कर लो। तनुजा कहती है, हम पहले ही बहुत लेट हो गए, हम कैंटीन में कुछ खा लेंगे, हम जाते हैं। तभी अभय कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तनुजा अभय को घूरते हुए कहती है, मैं चली जाऊंगी। रमा जी बोली, अभी तो तुम बोल रही थी कि लेट हो रहा है और अब मैं चली जाऊंगी बोल रही हूँ। जाओ जल्दी से नाश्ता कर लो, अभय तुम्हें छोड़ देगा। अभय तनुजा को देखकर मुस्कुराने लगता है। तनुजा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद अभय तनुजा को लेकर उसके कॉलेज के लिए निकल गया। तनुजा कार से बाहर देख रही थी, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अभय को देख सके। कार में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। अभय खामोशी तोड़ते हुए थोड़ा सा खांसता है, पर तनुजा उस पर ध्यान नहीं देती। अभय मनी मन कहता है, किस बात की अकड़ है इस लड़की को, नचड़ी कहीं की, बात करने के भी पैसे लेती है क्या। अभय अपने मनी मन में ये कह रहा था कि तभी तनुजा कहती है, कार रोको। अभय को कुछ समझ नहीं आता, वो कन्फ्यूजन में तनुजा को देखता रह जाता है। तनुजा फिर से कहती है, मैंने कहा कार रोको। अभय अपने मन में ही कहता है, क्या मैंने इतनी जोर से बोल दिया कि इस नचड़ी ने सुन लिया। तनुजा गुस्से से कहती है, सोच क्या रहे हो, मैंने कहा रोको। अभय बोला, क्या। तनुजा इरिटेट होते हुए कहती है, क्या तुम्हारी कान में खराबी है, आई सेड स्टॉप द कार। अभय कहता है, पर क्यों। तनुजा उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, कॉलेज पीछे रह गया है, तो मेहरबानी करो और कार रोको। अभय अचानक कार रोकता है, वो अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि उसे होश ही नहीं रहा कि कॉलेज कब का निकल चुका था। अभय खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, हाँ मेरा ध्यान नहीं था। तनुजा खुद से कहती है, अच्छा ध्यान नहीं था, किसी के ख्यालों में जो खोया हुआ था। अभय फिर कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तनुजा कार का दरवाजा खोलते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। दरवाजा लॉक था, वो अभय को घूरने लगती है। अभय कार स्टार्ट कर देता है, वो कॉलेज के सामने आकर कार रोकता है। अभय मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम जा सकती हो। तनुजा गुस्से से कार से उतर कर जाने लगी। ये देख अभय मुस्कुरा कर तनुजा को देखने लगा, फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए तनुजा को आवाज देते हुए कहता है, थैंक यू तो बोलो। पर तनुजा आगे निकल चुकी थी। तनुजा को बिना कुछ कहे जाते देख अभय के हाव भाव एकदम से बदल गए और वो अपनी छोटी आंखें करके तनुजा को देखने लगा। वहीं अभी तक जो तनुजा अभय को गुस्से से देख रही थी, वो अब एक लड़के से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। वहां उसके साथ दो लड़कियां भी खड़ी थी, शायद वो तनुजा की फ्रेंड थी। वो सब कॉलेज के मेन गेट से अंदर चले गए। सबको जाते देख अभय भी तनुजा के बारे में सोचते हुए वहां से चला गया। मुंबई में मिहिर और माहिर के जाने के बाद नित्या सीधे निष्ठा के पास गई। निष्ठा एक बुक लेकर बैठी हुई थी और एक अलग ही दुनिया में थी। नित्या को देखते ही निष्ठा की नजर उसी पर ठहर गई, मानो वो किसी और को देख रही हो। वो उठकर नित्या को ध्यान से देखती है, जिसका रो रोकर बुरा हाल हो गया था, उसके गाल भी लाल हो गए थे। निष्ठा हैरानी से देखते हुए उसके करीब आई। निष्ठा घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ नित्या, ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना। नित्या रोते हुए निष्ठा के गले लग गई और सारी बात नित्या को बताई। ये सब सुनकर निष्ठा को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन वो दोनों कुछ पल के लिए ही सही पर शांति से रहना चाहती थी। जो सुकून उन्हें अपने पति की बाहों में मिलता था, अब उसमें एक तरह की घुटन सी उन्हें लगने लगी थी, जो उनके बीच दूरियां पैदा कर रही थी। आज चारों की बुरी तरह लड़ाई हो गई थी और अभी तक पता नहीं चला था कि इसमें जीत किसकी हुई है। रात के 9 बज गए थे। माहिर और मिहिर को आ जाने में बहुत लेट हो गई थी, उनका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। माहिर मेट से नित्या और निष्ठा के बारे में पूछता है तो उसे जवाब में पता चलता है कि वो दोनों डिनर करके सो गई हैं। आज दिन भर ना सोने की वजह से वो दोनों बहनें बहुत थक गई थी, इसलिए वो दोनों जल्दी सो गई। वो दोनों अपने अपने रूम की ओर चलती। माहिर जैसे ही रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि रूम तो अंदर से लॉक है। उसी वक्त वहां मिहिर भी आ गया। मिहिर माहिर को वहां खड़ा हुआ देखकर बोलता है, क्या हुआ। माहिर कहता है, रूम अंदर से लॉक है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। मिहिर बोला, कुछ नहीं, आरोही रूम में नहीं है, शायद वो निष्ठा के साथ सो रही है। ये कहते हुए दोनों भाई साथ में डिनर करके टेरिस पर जाकर बैठकर तारों को देखने लगते हैं। मिहिर को खामोश देखकर माहिर धीरे से कहता है, कुछ हुआ है क्या। माहिर और मिहिर टेरिस पर बैठकर तारे गिन रहे थे और एक दूसरे के साथ में एक सुकून भी था, वहीं एक बेचैनी भी थी। जब से उन्हें पता चला था कि वो दोनों भाई हैं, तब से वो एक दूसरे के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते थे। माहिर मिहिर से धीरे से कहता है, कुछ हुआ है क्या। ये सुनते ही मिहिर आसमान से अपनी नजरें हटाकर माहिर को देखने लगा। मिहिर थोड़ा रुककर कहता है, आज भी सोचता हूं कि हमें उस जगह पर क्यों रखा गया था। माहिर मिहिर की बातों को सुने एकदम चुप हो गया। उसे चुप देखकर मिहिर बोला, चलो सोते हैं। फिर दोनों मिहिर के रूम में जाकर सो गए। अगली सुबह, सुबह के 5 बज रहे थे, मौसम काफी सुहाना था। इस वक्त तो किसी को भी सोने का मन करता और एक सुकून की नींद भी आती, लेकिन आज बिना उठाए नित्या और निष्ठा 5 बजे उठकर फ्रेश होकर दोनों गार्डन में चली गई और एक्सरसाइज करने लगी। उन दोनों का मन कुछ दिनों से अशांत था, उन्हें शांति और सुकून चाहिए था। वो दोनों बहनें एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी गार्डन की तरफ आ रहे रितेश की नजर उन दोनों पर गई, तो वो कुछ देर उन दोनों को एकटक देखता ही रह गया। रितेश को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों बहनों को आखिर हुआ क्या है। उन दोनों का चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा था। रितेश उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, पर दोनों जैसे उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। करीब 7 बजे निष्ठा और नित्या अपने अपने रूम में चली गई। इधर मिहिर रूम में बैठकर आरोही का वेट कर रहा था, पर आरोही बिना मिहिर की ओर देखे सीधे बाथरूम में चली गई। मिहिर आरोही से नाराज था और वो जानता था कि आरोही भी उससे नाराज है। मिहिर रूम से बाहर आकर सीधे लिविंग रूम में चला गया, जहां माहिर और रितेश पहले से बैठे हुए थे। मिहिर बिना कुछ कहे आकर माहिर के बगल में बैठ गया। रितेश सामने बैठे दो शैतानों को देखते हुए कहता है, आज हुआ क्या है सबको, सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं। ये सुनते ही माहिर और मिहिर एक साथ रितेश को घूरने लगते हैं। रितेश बोला, देखो अब घूरो मत और बताओ क्या हुआ है। माहिर एक नजर मिहिर को देखता है और कहता है, हमने उन्हें घर से बाहर जाने से मना किया है, बस इसलिए। रितेश हैरानी से उन दोनों को देखते हुए कहता है, व्हाट, हैव यू बोथ गॉन मैड, मतलब कि सीरियसली माहिर तुम ऐसा कर रहे हो। वो दोनों ही अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, फिर भी तुम दोनों ने उन्हें घर में बंद करके क्यों रखा हुआ है। माहिर बोला, अभी तक सब ठीक नहीं हुआ, ऐसे में मैं नहीं चाहता कि जो एक बार हो चुका है वो फिर से हो, बेहतर होगा कि कुछ वक्त वो दोनों घर पर ही रहे। उसकी बात सुनकर रितेश कहता है, तुम दोनों सच में पागल हो गए। आजकल की लड़कियां आजाद ख्यालों वाली होती हैं, उन्हें जरा भी पसंद नहीं है कि कोई उन पर पाबंदी लगाए, और तुम दोनों ने उन्हें घर में बंद करके रखा हुआ है, क्या इसी वजह से उन दोनों का मूड इतना खराब है।
कि वो बात भी नहीं कर रही है। माहिर और मिहिर बिल्कुल चुप थे। वो कल सुबह उनसे मिले थे, उसके बाद वो ऑफिस चले गए और कल रात को वो दोनों बहुत लेट से आए थे। उस वक्त तक दोनों बहनें सो चुकी थी। प्रीतेश फिर कहता है, देखो मैं समझता हूँ तुम दोनों को उनकी फिक्र है, लेकिन कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं होती, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। अगर तुम दोनों इसी तरह उन्हें घर में रखोगे तो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा और वो खुद में ही मेंटली टॉर्चर होती रहेंगी। तुम्हें उन्हें थोड़ी आजादी देनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते तो रिश्तों में दरार आने में वक्त नहीं लगता मेरे दोस्त। भले ही सब साथ होंगे लेकिन पास रहकर भी दूरियां हो जाती हैं। रितेश ये सब कह ही रहा था कि तभी माहिर का फोन बजने लगा। उसे हर्ष कॉल कर रहा था। माहिर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से हर्ष कहता है, हेलो भाई, आप सब अपनी होटल मेंशन आ जाइए, दादू के फ्रेंड्स चले गए। माहिर बोला, ठीक है, माँ से कहना हम आ रहे हैं। इतना कहकर माहिर ने फोन रख दिया। माहिर उन दोनों को देखते हुए बोला, अब हम अपनी होटल मेंशन जा रहे हैं। रितेश कहता है, ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। फिर वो सब वहां से उठकर अपने अपने रूम की ओर जाने लगे। तभी उनकी नजर निष्ठा और नित्या पर गई, जो बिना किसी का वेट करे अपना नाश्ता कर रही थी। माहिर और मिहिर उन्हें घूर कर देखने लगे। ये देख रितेश बात संभालते हुए कहता है, अब उन्हें भूख लग रही होगी, वो कब से एक्सरसाइज कर रही थी। ये सुनते ही माहिर और मिहिर अजीब तरह से रितेश को देखने लगे और मानो वो कह रहे हो कि निष्ठा और नित्या को भूख लगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर वो दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने रूम में चले गए। वहीं रितेश मुस्कुराते हुए उन दोनों बहनों के पास जाकर बैठ गया और सामने रखा हुआ एक सेब उठाते हुए खाते हुए कहता है, हम सभी अपनी होटल मेंशन जा रहे हैं तो तुम दोनों भी जल्दी से रेडी हो जाओ। ये सुनते ही निष्ठा किसी ख्यालों में डूब गई। अब फिर से निष्ठा के सामने एक प्रॉब्लम थी। निष्ठा जानती थी कि माहिर की फैमिली उनकी शादी की बात करेगी और निष्ठा की फैमिली से मिलना चाहेगी। ऊपर से माहिर और निष्ठा ने शादी कर ली थी और माहिर की फैमिली को ये सब बात पता नहीं थी। यहां तक कि हर्ष भी ये बात नहीं जानता था कि निष्ठा और माहिर की शादी हो चुकी है। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लग रहा था कि अगर उन्हें उनकी शादी के बारे में पता चल गया तो कहीं वो हर्ट ना हो जाए। थोड़ी देर बाद माहिर और मिहिर वहां गए और उनके आते ही निष्ठा और नित्या अपने अपने रूम में चली गई। ये देखकर दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें जरा भी पसंद नहीं था कि निष्ठा और नित्या उन्हें इस तरह इग्नोर करें। आधे घंटे बाद सब अपनी होटल मेंशन के लिए निकल गए। यहां से निकलने के बाद पूरे रास्ते में कार के अंदर खामोशी थी। इन खामोशियों के बीच कुछ देर में सब अपनी होटल मेंशन पहुंच गए। निष्ठा और नित्या ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था और वो धीरे धीरे चलते हुए कॉरिडोर के पास आईं। उनके पीछे माहिर और मिहिर और रितेश भी वहां पहुंच गए। इधर वीणा जी उन सभी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अच्छे से जानती थी कि उनका बेटा इतने सालों से अपने जिस भाई के लिए तड़प रहा था वो अब उसे मिल गया है। वीणा जी की नजर जैसे ही निष्ठा और नित्या पर पड़ी तो वो उन दोनों को देखकर कंफ्यूज हो गई कि उन दोनों में से निष्ठा कौन है और नित्या कौन है। फिर उनकी नजर पीछे आते माहिर और मिहिर पर पड़ी। उनकी आंखें नम थी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो दोनों भाई मुस्कुराते हुए उनके पास आए। वीणा जी मिहिर को बड़ी गौर से देख रही थी। तभी दोनों भाई एक साथ वीणा जी के पैर छूते हैं। वीणा जी मुस्कुराते हुए कहती है, हमेशा खुश रहो, मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। निष्ठा और नित्या भी आगे आकर उनके पैर छूती हैं। वीणा जी बोलती है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम दोनों, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि निष्ठा कौन है और नित्या कौन। ये सुनते ही निष्ठा और नित्या मुस्कुराने लगती है। फिर वीणा जी उन चारों की नजर उतारने लगी। ये देखकर वो चारों चुपचाप खड़े थे। तभी पीछे से वहां रितेश आ गया। रितेश मुंह बनाते हुए कहता है, माँ यहां मैं भी हूं, या आप अपने लाडले बेटे के आने से मुझे भूल गई हो। वीणा जी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ तुझे कैसे भूल सकती हूँ। फिर सब हॉल में चले गए जहां माहिर के दादा और दादी पहले से बैठे हुए थे। हर्ष भी वहां आ गया था जो माहिर को देखकर उससे गले मिला। फिर सब दादा दादी के पैर छूते हैं। निष्ठा दादी के पास ही बैठ गई। वो मुस्कुराते हुए कहती है, दादी अब आपकी तबीयत कैसी है। दादी निष्ठा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुराती है। तभी दादाजी कहते हैं, अब तुम सब आ गए हो ना तो सबकी तबीयत अच्छी रहेगी। दादी मिहिर को अपने पास बुलाती हैं तो मिहिर माहिर को देखने लगा। ये सब देख माहिर हल्का सा मुस्कुराकर उसे जाने का इशारा करता है। मिहिर को अपनी दादी याद आ गई थी, वो काफी वक्त से अपनी दादी से नहीं मिला था। मिहिर धीरे से दादी के पास जाकर बैठ गया। दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम्हारा नाम क्या है। फिर मिहिर माहिर को देखते हुए कहता है, मिहिर। ये नाम सुनते ही सबकी नजर मिहिर और माहिर पर ही थी। सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब जानते थे कि वो एक दूसरे की तलाश कब से कर रहे थे। दादी बोली, बेटा अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। हम सब जानते हैं माहिर तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। खुद को कभी अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर मिहिर बस मुस्कुरा दिया। फिर सब वहीं बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दादी मुस्कुराकर कहती है, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। ये सुनते ही निष्ठा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि उसे जो डर था वही हुआ। अब वो क्या ही कहे कि उनका लाडला बेटा माहिर उससे कब की जबरदस्ती शादी कर चुका है। रितेश अपने माथे पर हाथ रख माहिर को देखने लगा। उसने माहिर को पहले ही कहा था कि वो सबको अपनी शादी के बारे में बता दे, पर उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था। तभी माहिर कहता है, दादी हमने शादी कर ली है। ये सुनते ही वहां मिहिर नित्या और रितेश को छोड़कर सब हैरानी से माहिर और निष्ठा को देख रहे थे। निष्ठा खुद हैरानी और गुस्से से माहिर को देख रही थी। हर्ष बोला, भाई आप मजाक कर रहे हैं ना। माहिर कहता है, नहीं हर्ष मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर सब हैरान और खुश भी थे क्योंकि माहिर का बिहेवियर देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि माहिर कभी जिंदगी में शादी नहीं करेगा। दादी थोड़े गुस्से से कहती है, तुम दोनों ने शादी कर ली और बताया भी नहीं। निष्ठा को अब डर लग रहा था कि सब उन्हें गलत ना समझे। उसे माहिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, सब उसी की वजह से जो हो रहा था। माहिर मुस्कुराते हुए कहता है, दादी आपको ही अपनी बहू देखने की जल्दी थी ना, इसलिए मैंने शादी कर ली। उसकी बात सुनकर दादी बोली, पर मैं इस शादी को नहीं मानती। ये बात सुनकर सब शॉक्ड होकर दादी को देखने लगे। वीणा जी बोली, पर माँ कि। तभी दादी अपना हाथ दिखाकर वीणा जी को कुछ भी कहने से रोक देती है और वीणा जी भी चुप हो जाती है। वहीं माहिर बिल्कुल शांत था। वो अपनी दादी को अच्छे से जानता था कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। दादी बोली, शादी फिर से होगी, तब हम सब इस शादी को स्वीकार करेंगे। हम तुम चारों की शादी एक साथ कराएंगे फिर से। ये सुनते ही निष्ठा और नित्या एक दूसरे को देखने लगी। एक बार फिर से शादी। दादी अपना हाथ दिखाकर आगे किसी को भी कुछ भी कहने से रोक देती है तो वीणा जी चुप हो जाती है।
वही माहिर बिल्कुल शांत था। वो अपनी दादी को अच्छे से जानता था कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। दादी बोली, शादी फिर से होगी, तब जाकर हम सब इस शादी को स्वीकार करेंगे। हम तुम चारों की शादी एक साथ कराएंगे फिर से। ये सुनते ही निष्ठा और नित्या एक दूसरे को देखने लगी। एक बार फिर से शादी? रितेश मुस्कुराते हुए दादी से कहता है, दादी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाइए, उसके बाद ही शादी होगी। दादी बोली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो अब शादी भी जल्दी होगी। दादी माहिर की शादी देखना चाहती थी, इसलिए वो सोच रही थी कि उन सभी की शादी जल्दी हो जाए। हर्ष बोला, नहीं दादी, अब घर में कोई भी फंक्शन नहीं होंगे। डॉक्टर ने पहले ही आपको शोर जैसी जगह से दूर रहने को कहा है। दादी कुछ बोलती है, उससे पहले ही माहिर कहता है, दादी आप अभी कुछ वक्त के लिए शादी की बात भूल ही जाइए, अभी आपको अपनी तबीयत का ध्यान भी तो रखना है। तभी वीणा जी कहती है, माँ बच्चे ठीक कह रहे हैं, हम शादी की तैयारियां अभी धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। उन सभी की बातें सुनकर दादी भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वहां माहिर बोल रहा था और उनकी बात दादी टाल नहीं पाती थी। वीणा जी हर्ष को देखते हुए कहते हैं, बेटा मानसी नहीं आई? हर्ष बोला, हाँ माँ वो शाम को आ जाएगी, आज उसका एग्जाम है। सब हंसते मुस्कुराते बात कर रहे थे। इन सबके बीच नित्या और निष्ठा ने माहिर और मिहिर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और ये बात माहिर और मिहिर को चुभ रही थी। वीणा जी बोली, आज मैं सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाती हूँ। निष्ठा कहती है, माँ आप यहीं रहिए, आज हम खाना बनाते हैं। निष्ठा के ये बोलते ही माहिर बोला, तुम किचन में कदम भी नहीं रखोगी। उसकी आवाज में सख्ती थी, सब माहिर को देखने लगे, लेकिन माहिर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि निष्ठा इतने सारे लोगों के लिए अकेली खाना बनाए। वो पहले ही जानता था कि निष्ठा गर्मी सहन नहीं कर पाती थी और अभी वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाई थी। निष्ठा को बहुत गुस्सा आ रहा था। रितेश बात को संभालते हुए कहता है, निष्ठा तुम आज रहने दो, अभी तुम्हारा ज्यादा देर तक खड़ा रहकर काम करना ठीक नहीं है। निष्ठा और नित्या एक साथ रितेश को घूर कर देख रहे थे। ये बात रितेश बोल रहा था, जो पिछले दो दिनों से सुबह सुबह उन्हें घंटों घंटों तक खड़ा रखता था एक्सरसाइज के बहाने। रितेश दोनों बहनों की नजरों को देखकर घबरा गया। वो फिर अपनी बात को बदलते हुए कहता है, आज हम माँ के हाथ का खाना खाते हैं ना। ये कहते हुए रितेश दादी के पास जाकर उनसे कहता है, दादी अब आप अपने रूम में चलकर आराम कीजिए। कुछ देर बाद दादा दादी अपने रूम में चले गए। वहां माहिर भी मिहिर को उसका रूम दिखाता है, जो उसके रूम के पास ही था। इधर निष्ठा और नित्या किचन में जाकर वीणा जी की हेल्प करने लग गई। नित्या को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, वो बचपन से अकेली रही थी इसलिए उसे फैमिली में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। एक घंटे बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। पूरा डाइनिंग टेबल खाने से भरा हुआ था और पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। निष्ठा नित्या और वीणा जी सबको खाना सर्व कर रही थी। सब साथ में खाना शुरू करते हैं। वीणा जी प्यार से मिहिर को खाना सर्व कर रही थी और उसे खाने के लिए कह रही थी। वो खुद मिहिर के बगल में बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। माहिर रितेश और हर्ष अपनी माँ को देखने लगे। आज एक नया बेटा घर में आने से मानो वो अपने तीनों बेटों को भूल चुकी थी। माहिर को ऐसा प्यार हमेशा मिलता था जब भी वो घर में होता था, क्योंकि वो बहुत कम घर आता था और हर्ष और रितेश तो अक्सर घर में ही रहते थे, तो उन्हें अपनी माँ का प्यार हमेशा मिलता था। रितेश अपने घर में बहुत कम रहता था, उसे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अग्निहोत्री मेंशन में ही रहता था। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, उसे कभी माँ पापा का प्यार नहीं मिला था। वो आज तक इस खूबसूरत एहसास से अनजान था। वो हमेशा से अकेला ही रहता था, उसे अकेलेपन की आदत हो गई थी। उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी और वो बहुत खुश था। उसे एहसास होता है कि सब उन्हें देख रहे हैं। वाकई सब उन्हें देख रहे थे। माहिर रितेश और हर्ष का चेहरा देखने लायक था। माहिर को देखकर निष्ठा को बहुत हंसी आ रही थी। माहिर मिहिर के दूसरी साइड में ही बैठा हुआ था। मिहिर धीरे से कहता है, जिससे सिर्फ माहिर ही सुन पाए, तुम्हें जलन हो रही है। माहिर अजीब तरह से मिहिर को देखता है और कहता है, मुझे क्यों जलन होगी, माँ मुझे हमेशा अपने हाथों से खाना खिलाती है, वो तुम्हारे बाद मेरे पास आएगी। ये सुनते ही मिहिर मुस्कुराने लगा। वीणा जी ने अभी तक एक बार भी नहीं देखा था कि उनके बाकी बेटों का क्या रिएक्शन है। वो तो मुस्कुराते हुए मिहिर को प्यार से खाना खिला रही थी। मिहिर को जब लगा कि उसने अब जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, तो वो मना करते हुए धीरे से कहता है, माँ बस अब हो गया। ये सुनते ही वीणा जी के हाथ रुक गए। उन्हें मिहिर के मुंह से माँ सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि वो जाहिर भी नहीं कर पा रही थी। भगवान ने उनका एक बेटा छीन लिया था, पर उनके पास अब चार बेटे थे। वीणा जी बोली, बस थोड़ा सा और ना। इतना कहकर वो पूरी प्लेट का खाना उसे खिलाने लगी। मिहिर का पेट भर चुका था, वो फिर भी खाना खा रहा था, क्योंकि अब तक की जो उसकी माँ थी, उसने तो आज तक उसे ठीक से देखना भी जरूरी नहीं समझा था और वो अब इतना प्यार मिस नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद वीणा जी मिहिर को खाना खिलाकर किचन की ओर चली गई। फिर मिहिर मुस्कुराते हुए माहिर को देखने लगा। मिहिर माहिर से बोला, तुमने कुछ कहा था? माहिर मिहिर को घूर कर देखने लगा। वहीं मिहिर को बहुत हंसी आ रही थी। माहिर बोला, उन्हें कुछ काम होगा इसलिए वो भूल गई होंगी। सब खाना खाने के थोड़ी देर बाद अपने अपने रूम में चले गए। निष्ठा और नित्या भी साथ में चलते हुए ऊपर जाने लगी। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था मिहिर और माहिर से बात करने का। ऊपर पहुंचने के बाद जब निष्ठा ने रूम का दरवाजा खोला, तो उसे माहिर कहीं नहीं दिखा। वो रूम में जाने के बाद सीधे बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो जैसे ही रूम में आई, तो माहिर ने उसे पीछे से आकर हक कर लिया। ये होते ही निष्ठा एकदम से चौंक गई। निष्ठा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमें। माहिर निष्ठा को पलट कर अपने करीब करते हुए कहता है, सुबह से देख रहा हूं तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। निष्ठा माहिर को घूरते हुए कहती है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। ये सुनते ही माहिर बिना कुछ कहे प्यार से निष्ठा को हक कर लेता है। वो जानता था कि उसकी स्वीट वाइफ उससे नाराज थी। फिर माहिर धीरे से उसके कान में फुसफुसाता हुआ कहता है, तुम्हें घर से बाहर जाने की परमिशन मिलेगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये सुनते ही निष्ठा माहिर को हैरानी से देखने लगी। निष्ठा खुद से ही कहती है, ऐसी क्या बात हो गई जो ये राक्षस ऐसा बोल रहा है। फिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए निष्ठा कहती है, अच्छा और क्या बात माननी होगी हमें? माहिर बोला, किस करो मुझे। माहिर का एक्सप्रेशन देख और उसकी कही हुई बातों को सुनकर निष्ठा शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। हालांकि उसे घर से बाहर तो जाना ही था, क्योंकि उसे तेजस और यामिनी से बदला जो लेना था। निष्ठा कहती है, आप कुछ भी मत बोलिए। माहिर निष्ठा का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, किस मी। फिर निष्ठा अपनी आंखें बंद करके धीरे से माहिर के होठों पर सॉफ्टली किस करती है, लेकिन माहिर इसे डीप किस में बदल देता है। वहीं इधर नित्या रूम के सामने खड़े होकर सोच रही थी कि वो रूम में जाए या ना जाए। यही सोचते हुए वो पिछले 10 मिनट से रूम के बाहर खड़ी थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और मिहिर की नजर जैसे ही नित्या पर पड़ी, वो उसे रूम के अंदर खींच कर ले आया।
नित्या अचानक ऐसा होने से हैरानी से मिहिर को देखने लगी। फिर वो खुद को मिहिर की बाहों में पाती है। मिहिर ने उसे टाइट हक कर रखा था क्योंकि वो उसे अपनी बाहों में भरने के लिए तड़प रहा था। नित्या बिल्कुल शांत थी, वो मिहिर को अब खुद से दूर नहीं कर रही थी। मिहिर उसके गले पर किस करते हुए धीरे से कहता है, सॉरी। नित्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो मिहिर की बड़ी हुई धड़कनों को साफ तौर पर सुन पा रही थी। नित्या कोई जवाब नहीं देती, बस मिहिर को बड़े प्यार से हक कर लेती है। मिहिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता। उसे सबसे ज्यादा इसी बात का बुरा लगा था कि उसने आरोही पर हाथ उठाकर उसे हर्ट किया था। आरोही बिना कुछ कहे बस मिहिर को हक करके खड़ी हुई थी, लेकिन मिहिर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि वो चुप खड़ी है। काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहकर दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस कर रहे थे, लेकिन अब आरोही के पैरों में दर्द होने लगा था। आरोही मिहिर को छोड़कर थोड़ी दर्द भरी आवाज में कहती है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, छोड़िया हमें। आरोही की आवाज सुनकर मिहिर के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आई। फिर वो आरोही को उठाकर बेड पर बैठा देता है। मिहिर बोलता है, अगर पैरों में दर्द हो रहा था तो पहले बोलना था ना। आरोही बेड पर दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। ये देख मिहिर उसे पीछे से हक कर लेता है। फिर मिहिर कहता है, तुम्हें दिन में नहीं सोना है। आरोही कहती है, हम सो नहीं रहे हैं। मिहिर ऐसे ही आरोही को हक करके लेटा हुआ था। उसे थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि आरोही सो गई है। वो जानता था कि सुबह जल्दी उठने की वजह से आरोही बहुत थक गई। ऐसे में वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और वो उसके गाल पर प्यार से किस करके उठा और ऑफिस के लिए रेडी होने चला गया। उधर माहिर भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो रेडी होते हुए निष्ठा को देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी? निष्ठा जो बैग से कपड़े निकाल रही थी वो उसे नजरें हटाकर माहिर को देखते हुए कहती है, हम वहां जाकर क्या करेंगे? माहिर उसे याद दिलाते हुए कहता है, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुनते ही निष्ठा को कुछ याद आया। उसने सोचा था कि वो फिर से अपने डांस करियर में वापस जाएगी, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि माहिर उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम भी रखने देगा। अभी तो उसे घर से बाहर कदम रखने का मौका मिला था। ऐसे में वो शैतान को फिर से जगाना नहीं चाहती थी। निष्ठा ये सब सोच ही रही थी कि माहिर फिर कहता है, क्या तुम जाओगी? निष्ठा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए कहती है, आप लोग जा ही क्यों रहे हैं? अब तो दोपहर हो गई है और हम भी ऑफिस नहीं जाएंगे, हम अभी घर में ही रहेंगे। आपके पास वैसे भी और भी सेक्रेटरी होंगी। माहिर निष्ठा की प्यारी आवाज सुनकर उसके पास गया और उसके गालों पर किस करते हुए कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। तभी मिहिर भी अपने रूम से बाहर निकल कर आया। फिर वो दोनों साथ में सीधे ऑफिस के लिए निकल गए। इधर निष्ठा माहिर के जाते ही सीधे नित्या के पास गई। जब वो वहां पहुंची तो उसकी नजर बेड पर सो रही नित्या पर गई, जिसे देख वो घूरने लगी। फिर निष्ठा नित्या को उठाते हुए कहती है, नित्या उठो, तुम सो कैसे सकती हो? नित्या नींद में ही कहती है, क्या हुआ, सोने दो ना। निष्ठा कहती है, नहीं हम तुम्हें नहीं सोने देंगे, जब हम नहीं सो रहे तो तुम भी नहीं सो सकती। नित्या नींद में ही निष्ठा का हाथ खींचते हुए कहती है, अरे तुम भी सो जाओ ना, कैसे पता चल रहा है कि हम सो रहे हैं? ये सुनते ही निष्ठा खुद से बोली, बात तो सही कह रही है ये। इतना कहकर निष्ठा भी नित्या के साथ सो गई। शाम का वक्त, शाम के 5 बजने वाले थे। नित्या धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने मोबाइल में टाइम देखती है और टाइम देखते ही हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाती है। वो इतनी देर तक आखिर सो कैसे सकती थी? ये ख्याल आते ही उसकी नजर निष्ठा पर गई तो वो उसे उठाते हुए कहती है, निष्ठा उठो, वो दोनों शैतान आते ही होंगे। नित्या की आवाज सुनते ही निष्ठा जल्दी से उठकर बैठ गई और वो भी टाइम देखकर हैरानी से नित्या को देखने लगी। निष्ठा कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से, अगर तुम नहीं सोती तो हम नहीं सोते। नित्या निष्ठा को घूरते हुए कहती है, अच्छा सो तुम भी रही थी, अकेले हमें क्यों ब्लेम कर रही हो? निष्ठा और कुछ कहती उससे पहले रूम का दरवाजा खुला और ये देख वो दोनों अपनी जगह पर जम सी गई। निष्ठा और नित्या की जब अचानक नींद खुली तो वो दोनों हड़बड़ा कर उठ गए और उन दोनों भाइयों के बारे में बात करने लगी। नित्या और निष्ठा जैसे ही कुछ बात कर रही थी वैसे ही रूम का दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही निष्ठा और नित्या अपनी जगह पर जम सी गई। माही ने उन्हें पहले ही कहा था कि दिन में सोने पर उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। फिर निष्ठा और नित्या जैसे ही दरवाजे पर मानवी को देखती है तो मानो दोनों की रुकी हुई सांसें एकदम से चलने लगी और वो खुश हो गई। मानवी उन दोनों को देखकर खुशी से दौड़कर उन दोनों के गले लग गई। मानवी दोनों को साथ में जोर से गले लगाकर कहती है, कैसे आप दोनों, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया, निष्ठा उसे देखते हुए कहती है। मानवी को देखकर निष्ठा और नित्या सब भूल चुकी थी। वो तीनों मस्ती और बातें करने में मग्न थी। रात के करीब 8 बजे मिहिर और माहिर साथ में घर आए और आते ही वो दोनों सीधे अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन वो जिसे देखना चाहते थे वो रूम में नहीं थी। फिर दोनों फ्रेश होकर नीचे आए तो हॉल में कोई भी मेंबर्स नजर नहीं आ रहे थे। माहिर एक सर्वेंट से पूछता है तो उसे पता चला कि सब गार्डन में है। वो दोनों भी गार्डन में पहुंच गए। उन दोनों की नजरें सबसे पहले नित्या की गोद में बैठे एक बच्चे पर गई, जिसके साथ निष्ठा और नित्या बहुत प्यार से खेल रही थी। नित्या प्यार से उस बच्चे के गालों को छूते हुए कहती है, ये कितना क्यूट है ना। निष्ठा बोली, हाँ क्यों ना इसके मम्मी पापा के मिलने तक हम इसे रख ले। निष्ठा को बच्चे बहुत पसंद थे, यही वजह थी कि उस छोटे से बच्चे को देखकर उसका दिल उसे अपने पास रखने को कर रहा था। दादाजी कहते हैं, जब हर्ष छोटा था तो बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल लड्डू गोपाल के जैसे। साइड में बैठी मानवी हर्ष को देखने लगी और ये सोचने लगी कि हर्ष बड़ा होकर बदल गया होगा। वहीं सामने खड़े माहिर और मिहिर लगातार अपनी प्यारी वाइफ को देख रहे थे। वो सभी से अनजान उस प्यारे से बच्चे के साथ खेल रही थी। ये कौन है? माहिर ने जैसे ये पूछा तो सबकी नजर माहिर और मिहिर पर चली गई। जाहिर था वो दोनों उस नन्हे से बच्चे को वहां देखकर जरा भी खुश नहीं थे। दादी हंसते हुए कहती है, ये एक बच्चा है। दादी की बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन माहिर चढ़ गया था। माहिर कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि किसका बच्चा है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये कहते हुए वो दोनों भाई वहीं आकर बैठ गए। फिर वीणा जी उन्हें बताने लगी, पता नहीं बेटा, मेन गेट के बाहर ये बच्चा रोड पर अकेला था जब मैं मंदिर से आई और इसको अकेला देखकर मैं इसे अंदर ले आई। माहिर और मिहिर नित्या और निष्ठा को ही घूर रहे थे। उस बच्चे को इतना प्यार करना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। माहिर कहता है, पर ये हमारे घर पर क्यों है? सब माहिर को ही घूर कर देखने लगे कि माहिर ऐसे बोल भी कैसे सकता था। दादी कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, बेचारा बच्चा रोड पर था तो उसे वहीं छोड़ देते क्या? माहिर कहता है, दादी मतलब अभी तक आप लोगों ने इसके पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया? वीणा जी बोली, बेटा मैंने पता लगाने को कहा है
पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। माहिर कहता है, मैं अनिल को बोल देता हूँ, वो इस बच्चे को यहाँ से ले जाएगा। ये सुनते ही निष्ठा और नित्या गुस्से से माहिर को देख रही थी। सच में उन दोनों भाइयों को उनकी खुशी देखी नहीं जाती थी, जो उस बच्चे को भी उनसे दूर करने की इतनी जल्दी थी उन्हें। दादाजी बोले, माहिर अभी वो कहीं नहीं जाएगा, जब उसके मम्मी पापा आएंगे तो खुद अपने बच्चे को साथ लेकर जाएंगे। वो बच्चा खुद बहुत देर से मिहिर को देखकर हंस रहा था, जैसे मिहिर को चिढ़ा रहा हो। मिहिर उस बच्चे को ही घूरे जा रहा था। सब वहीं बैठकर बातें कर रहे थे और वो बच्चा नित्या के गोद में हंसते हुए उछल उछल कर खेल रहा था। चलिए बहुत टाइम हो गया, खाना खा लेते हैं, वीणा जी सभी को देखते हुए बोली, क्योंकि खाने का वक्त हो चुका था। फिर कुछ देर में सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए, पर अभी तक उन दोनों बहनों ने उस बच्चे को नहीं छोड़ा था। खाना खाने के बाद अनिल उस बच्चे को लेने आ गया था और नित्या और निष्ठा उसे देने के लिए तैयार नहीं थी। वो बच्चा सो रहा था और बड़ा ही मासूम लग रहा था। माहिर उन्हें देखकर थोड़े गुस्से से कहता है, उसे उसके मम्मी पापा के पास ही ले जाया जा रहा है, वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने आया। उसे ऐसे बात करते देख वीणा जी बोली, माहिर आराम से बेटा, तुम क्या 2 मिनट रुक नहीं सकते? निष्ठा उस बच्चे के गालों को चूमते हुए कहती है, लव यू बेटा, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। माहिर घूर कर निष्ठा को देख रहा था। आज तक उसने तो उसे लव यू कभी नहीं बोला था और वो उस बच्चे को लव यू बोल रही थी। निष्ठा धीरे से उस बच्चे को अनिल को दे देती है। उस बच्चे को जाते देख वो दोनों बहुत उदास हो गई थी। वहीं हर्ष मानवी को छोड़ने गया था। उन्हें देखकर दादी कहती है, तुम दोनों उदास क्यों हो रहे हो? जल्दी से तुम दोनों भी बच्चे पैदा कर लो और फिर इस घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। ये सुनते ही निष्ठा और नित्या हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उन दोनों की नजरें झुक गईं। फिर वो दोनों बिना कुछ कहे चुपचाप अपने अपने कमरे की ओर चल दिए। निष्ठा जैसे ही रूम के अंदर पहुंची तो रूम में पहले से ही मौजूद माहिर ने उसके अंदर आते ही छट से रूम का दरवाजा बंद कर दिया। ये देख निष्ठा को कुछ समझ नहीं आया कि अब माहिर को क्या हुआ। फिर उसे कुछ देर पहले की बात याद आई तो वो माहिर को घूरते हुए कहती है, आप सच में बहुत बुरे हैं, आपने हम पर सबके सामने गुस्सा किया। क्या हो जाता अगर वो छोटा बाबू आज यहाँ रुक जाता? आपको हमारी खुशी देखी नहीं जाती है। ये सुनते हुए माहिर हैरानी से निष्ठा को देख रहा था, जो गुस्से में थी लेकिन बहुत क्यूट लग रही थी। माहिर निष्ठा को देखते हुए उसके पास जा ही रहा था कि निष्ठा उसके सामने से गुस्सा करते हुए सीधा बाथरूम में चली गई और माहिर उसे जाता हुआ देख फिर बेड पर बैठ गया। उधर नित्या बेड पर लेटी हुई थी लेकिन दिन में सोने की वजह से अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वही मिहिर बालकनी में फोन पर बात कर रहा था और जब वो रूम में वापस आया तो कमरे में अंधेरा था क्योंकि नित्या ने लाइट ऑफ कर दी थी। वो धीरे से बेड पर जाकर नित्या को हक करके लेट गया पर नित्या ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अभी मिहिर से नाराज जो थी। मिहिर प्यार से कहता है, तुम इतनी जल्दी सो रही हो? नित्या रूडली जवाब में कहती है, हमें नींद आ रही है तो हम सो रहे हैं। मिहिर को नित्या का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया पर वो नित्या पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि उसने नित्या को हर्ट किया है इसलिए मनाना भी उसे ही था। नित्या का जवाब सुनकर मिहिर चुप हो गया। वो आगे कुछ नहीं कहता और चुपचाप लेट जाता है। लेकिन अब मिहिर की खामोशी नित्या को अच्छी नहीं लग रही थी। वो खुद से कहती है, शायद हमने कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर ली है इनसे। इधर निष्ठा चेंज करके आकर बेड पर लेटने ही वाली थी कि माहिर उसे अपनी ओर खींचकर अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा लेकिन दोनों सीधे बेड पर गिर गए। माहिर निष्ठा को देखते हुए बोला, अभी क्या कह रही थी तुम? मैं बहुत बुरा हूं। निष्ठा उसे खुद से अलग करते हुए बोली, हमें नींद आ रही है, छोड़िए हमें। ये कहते हुए निष्ठा माहिर की बाहों में कसमसाने लगी। उसे ऐसे हिलता देख माहिर उसे मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लेता है जिससे निष्ठा हिल भी नहीं पा रही थी। माहिर बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। निष्ठा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, हमने कहा ना छोड़िए हमें। माहिर कहता है, ठीक है पहले मुझे लव यू बोलो। ये सुनते ही निष्ठा एकदम से आंखें फाड़ कर माहिर को देखने लगी। अब कौन सा नया भूत सवार हो गया था माहिर के सिर पर? निष्ठा का दिल तेजी से धड़क रहा था। निष्ठा माहिर को अच्छे से जानती थी कि अभी वो क्या सोच रहा होगा। निष्ठा हकलाते हुए कहती है, ये क्या बोल रहे हैं आप? माहिर उसके करीब आते हुए बोला, जो तुमने सुना है। ये लड़की यहाँ आखिर कैसे रह सकती है अंश? एक लड़की अपने कांपते होठों से कहती है। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। वो बहुत सिंपल लेकिन सुंदर लग रही थी। अंश इरिटेट होते हुए कहता है, आज से विभाग यहीं रहेगी कृतिका, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तो मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो। वो लड़का जिसका नाम अंश था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसके चेहरे पर परेशानी और चिड़चिड़ाहट साफ तौर पर देखी जा सकती थी। अंश गुस्से में वहां से चला गया। वहीं हॉल में खड़े बाकी सभी सदस्य भी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। मायरा डेविल स्माइल के साथ कृतिका के सामने आकर खड़ी हो गई। मायरा कहती है, कहा था ना मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। देखो अब अंश मेरा है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम तो इन 2 सालों में उसे बाप बनने की खुशी भी नहीं दे पाई लेकिन अब वो खुशी अंश को मैं दूंगी और जल्दी ही तुम इस घर से बाहर हो जाओगी। कृतिका गुस्से से मायरा को देख रही थी। उसका जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। आखिर अंश उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? क्या उसके होते हुए किसी और लड़की को घर में लाना ठीक था? फिर कृतिका जल्दी से अपने रूम की ओर चली गई और जैसे ही वो वहां पहुंची तो उसकी नजर सामने खड़े अंश पर गई, जो सामने खड़े सर्वेंट को मायरा का ख्याल रखने को कह रहा था। कृतिका को देखते ही अंश उन्हें जाने के लिए कह देता है। कृतिका अपने टूटे हुए दिल को संभालते हुए कहती है, अंश तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया और तुम मेरे होते हुए उस लड़की के साथ? अंश कृतिका से नजरें चुराते हुए कहता है, मायरा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है कृतिका, और यही सच है। अंश की बातें कृतिका के लिए किसी खंजर का काम कर रही थी। वो खुद को संभालने में नाकामयाब हो रही थी। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे। कृतिका अनाथ थी। अंश ने उसे इतना प्यार दिया था कि वो अपने सारे दुख दर्द भूल गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि अंश उसके साथ ऐसा करेगा, वो भी सिर्फ एक बच्चे के लिए। क्या उनका प्यार कोई मायने नहीं रखता था? कृतिका खुद के आंसुओं को रोकते हुए कहती है, ठीक है या तो इस घर में वो लड़की रहेगी या मैं। ये सुनते ही अंश कृतिका को देखने लगा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसे अपने दिल में दर्द का एहसास होने लगा था। अंश कृतिका से मुंह फेरते हुए कहता है, तुम जा सकती हो कृतिका। ये शब्द सुनकर कृतिका को ऐसे लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने कोई बड़ा सा पत्थर फेंक दिया। वो अपनी मुठ्ठियां कसकर बांधते हुए खुद के जज्बातों को संभालने की कोशिश कर रही थी। कृतिका धीरे से कहती है, अंश क्या तुम अब मुझसे प्यार भी करते हो या वो भी खत्म?
कृतिका ये बात कांपते हुए बोलती है, क्योंकि उसे डर था कि अंश फिर से कोई ऐसी बात ना कहते जो उसके दिल को पूरी तरह से तोड़ कर रखते। अंश बोलता है, ऐसा नहीं कृतिका, पर शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए अपनी खुशी में तुम मेरी खुशी नजरअंदाज कर रही हो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। कृतिका अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके आंसू बह जा रहे थे, साथ ही साथ उसका दिल भी बुरी तरह से रो रहा था। वो रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। कृतिका अंश से इतना प्यार करती थी, लेकिन अंश उसे ऐसा कैसे बोल सकता था? फिर भी उसने ये तक कह दिया था कि वो उस घर से जा सकती है। कुछ दिन पहले तक उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी, अंश उससे कितना प्यार करता था, और आज शायद बच्चे की खुशी में अंश के दिल में उसके लिए प्यार ही नहीं बचा था। रात हो चुकी थी। कृतिका खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और कबर्ड से कपड़े निकालने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसे आज भी याद था जब वो पहली बार अंश के कमरे में आई थी। अंश बहुत प्यार से उसके कपड़े सजा कर रखे हुए था। कुछ देर में वो अपने कपड़े पैक करके लड़खड़ाते कदमों के साथ घर से बाहर आई और कैब बुक करके उस घर से दूर चली गई। इधर निष्ठा माहिर से आंखें चुरा रही थी और माहिर टकटकी लगाकर उसे ही देखे जा रहा था और इस बात के इंतजार में था कब उससे आई लव यू बोलेगी। निष्ठा उसे नजरें चुराते हुए कहती है, प्लीज छोड़िया, हमें नींद आ रही है। मैंने तुमसे कुछ कहा है निष्ठा? माहिर उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए बोला। वो निष्ठा के मुंह से बस वही सुनना चाहता था जो निष्ठा ने उस बच्चे से कहा था। निष्ठा कहती है, हमने नहीं सुना। निष्ठा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जल्दी से उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी। माहिर ने कहा, क्या तुम उसे प्यार नहीं करती? ये सुनते ही निष्ठा एकदम से हिलना डुलना बंद करती थी और धीरे से अपनी नजरें उठाकर माहिर की हल्की नीली आंखों में देखने लगी, क्योंकि इसका जवाब तो उसे खुद नहीं पता था कि वो माहिर से प्यार करती है या नहीं। उसके मन में एक साथ बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। इस बीच अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा और वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने एक हाथ से अपना सर पकड़ लेती है। उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकलती है तो माहिर निष्ठा को देखकर घबराने लगा। वो जल्दी से निष्ठा को बेड पर लेटा देता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में निष्ठा शांत हो गई। वो माहिर को कसकर पकड़े हुए थी। फिर थोड़ी देर में उसे नींद भी आ गई। माहिर प्यार से उसके माथे पर किस करके उसे देखने लगा। फिर देखते ही देखते कब वो सो गया उसे भी पता नहीं चला। इधर देर रात जैसे अंश अपने कमरे में कदम रखता है तो उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। वो लाइट ऑन करता है तो उसकी नजर किसी को ढूंढ रही थी। वो अच्छे से जानता था कि उसने कृतिका को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। वो कृतिका से बात करना चाहता था। वो पूरे कमरे को अच्छी तरह से देखता है, वहां कोई नहीं था। जब वो परेशान होकर एक जगह खड़ा होकर कुछ सोचने लगा तभी उसकी नजर कबर्ड पर गई जो आधा खुला हुआ था। ये देखते ही वो जल्दी से कबर्ड की ओर बढ़ा और तेजी से कबर्ड को खोलकर देखा। कबर्ड खाली देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या उसकी कृतिका सच में उसे छोड़कर जा चुकी थी? अंश खुद से कहता है, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो कृति? तुम तो मुझे अच्छे से समझती थी ना, फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तभी वहां मायरा पहुंच गई। अंश को पसंद नहीं था कि कोई उसके कमरे में आए। वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मायरा को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? मायरा इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहती है, अंश पता, कृतिका ने मुझे इस घर से जाने को कहा तो मैंने भी उसे गुस्से में कह दिया कि मैं क्यों जाऊंगी, अगर जाना ही है तो तुम चली जाओ। मायरा की बात सुनकर अंश को और गुस्सा आ गया। निकल जाओ मेरे रूम से। मायरा की बात सुनकर अंश गुस्से से कहता है तो मायरा घबरा जाती है और वो बिना देर किए जल्दी से वहां से निकल गई। उसके जाते ही अंश जोर से दरवाजा बंद करके अपने खाली पड़े बेड को देखने लगा जहां हर रात को कृतिका उसके साथ सोया करती थी। अंश सामने रखे सोफे पर बैठ गया और कृतिका को याद करते हुए ड्रिंक करने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जा रही थी। अगली सुबह निष्ठा और नित्य एक्सरसाइज के बाद आराम से बैठकर दादा दादी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं माहिर और मिहिर भी आकर सबके साथ बैठ गए। निष्ठा सुबह से इसी कोशिश में थी कि उसे माहिर के सामने ना आना पड़े। वहीं नित्या तो अभी भी मिहिर से नाराज थी और मिहिर से बात भी नहीं कर रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद माहिर और मिहिर दोनों निष्ठा को ही देख रहे थे क्योंकि वो दोनों उससे अकेले में बात करना चाहते थे, पर वो दोनों बहनें अपनी जगह पर ऐसे जमी बैठी थी जैसे वहां से उनके उठने का कोई इरादा ही ना हो। कुछ देर बाद दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर के वक्त 3 बजे निष्ठा और नित्या वीरा से मिलने पहुंचती हैं। वो सब मुंबई की सड़कों पर घूम रही थी। निष्ठा और नित्या को खुली हवा में काफी सुकून मिल रहा था। अब जब उन्हें बाहर जाकर घूमने की इजाजत मिल गई थी तो वो इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। वीरा उन दोनों को देखते हुए कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम दोनों में निष्ठा कौन है और नित्या कौन है। पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड कैसे तुम्हें पहचानते होंगे। निष्ठा अपने सर की चोट को दिखाते हुए कहती है जो अभी भी हल्की सी दिख रही थी। निष्ठा हंसते हुए कहती है, शायद इसी से। तभी नित्या की नजर एक लड़की पर गई जो बेसुध सी सड़कों पर चले जा रही थी। वहीं सामने से एक कार आ रही थी। वो देख वो जल्दी से उस लड़की को अपनी ओर खींचती है और जल्दबाजी में दोनों रोड की साइड में गिर जाती है। नित्या के हाथ में चोट लगने से खून बहने लगता है। ये देखते ही निष्ठा और वीरा जल्दी से उन दोनों को उठाती है। फिर वो तीनों सामने खड़ी लड़की को देखती है जिसकी आंखें रोनी की वजह से लाल हो गई थी और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। नित्या उसे देखते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना? सामने खड़ी लड़की कहती है, थैंक्स, मैं ठीक हूँ। ये कहने के बाद वो लड़की कभी निष्ठा को तो कभी नित्या को देखती। उस लड़की को देखकर उन सभी को बहुत अजीब लग रहा था। तभी उस लड़की का मोबाइल बजने लगा और वो लड़की फोन रिसीव करके बात करने लगी। फिर कुछ देर बात करने के बाद वो कहती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, पर अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। उसके जाते ही निष्ठा नित्या की चोट को देखने लगी। फिर नित्या मुंह बनाकर कहती है, मिहिर ने देख लिया तो? नित्या जानती थी कि मिहिर देखेगा तो वो पक्का गुस्सा करेगा। मुश्किल से आजादी उन्हें मिली थी और वो नहीं चाहती थी कि ऐसी छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाकर वो अपनी आजादी छिनवा ले। फिर वो तीनों शाम तक आराम से घूमकर एंजॉय करते हैं। वीरा निष्ठा को इतना खुश देखकर उसे नहीं बताती कि तेजस और यामिनी की सगाई आज ही है। शाम को 6 बजे से पहले निष्ठा और नित्या मेंशन लौट आई थी ताकि उन दोनों शैतानों को फिर से उन पर गुस्सा करने का मौका ना मिले। वहीं इधर माहिर और मिहिर साथ में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तभी रितेश केबिन के अंदर आया। रितेश कहता है, शाम के 7 बजने वाले हैं तो क्या तुम दोनों को आज घर नहीं जाना है? माहिर और मिहिर ऐसे बैठे हुए थे जैसे उनसे कोई चीज छीन ली गई हो। वो दोनों अजीब तरह से रितेश को देखने लगे। उनका ऐसा रिएक्शन देखकर रितेश बोला, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो वो सब छोड़ो,
वीर आया हुआ है, चलो उससे मिलने चलते हैं। माहिर पूछता है, वो कब आया? रितेश कहता है, बस कल ही आया है। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो चलते हैं। उसके बाद वो तीनों वहां से निकलकर एक बड़े से बंगले में आकर रुकते हैं। वो तीनों वहां से सीधे गार्डन में जाते हैं। लेकिन ये क्या, वहां तो दो तीन लड़कियां खड़ी हैं और बीच में एक लड़का खड़ा हुआ है। ये तीनों उसे पीछे से ही देख पा रहे थे। रितेश मुस्कुराते हुए आवाज देते हुए कहता है, वीर। आवाज सुनते वीर पलट कर देखता है तो तीन हैंडसम बंदे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर वो वहां खड़ी लड़कियों को वहां से जाने का इशारा करता है। वीर की नजर मिहिर पर जाकर टिकी जो कि वीर को ही देखे जा रहा था। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, हमें नहीं पता था आज मिहिर और ब्रॉय के भी दर्शन होंगे। मिहिर बोला, राजवीर कैसे हो तुम? बात हो चुकी थी लेकिन माहिर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। निष्ठा अपने दिमाग पर जोर देकर हर उस सिचुएशन